हेलो ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनवरी 2018 माह के पुरस्कार और सम्मान के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एमपीपीएससी और व्यापम के लिए ये पूरा करंट अफेयर मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ, क्योंकि व्यापम के अपकमिंग एग्जाम जो है, एमपीपीएससी का जो अपकमिंग एग्जाम है, उनमें यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसको हम जनवरी 18 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसको जनवरी 18 से लेके चलेंगे जनवरी 2017 तक। तो इस तरीके से मैं आपको पूरे एक साल का करंट अफेयर तैयार कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा इस सीरीज का, पुरस्कार और सम्मान। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो पीडीएफ वगैरह हैं वो सारी आपको यहीं मिल जाएंगे। दोस्तों, पीडीएफ थोड़ा सा मुझे अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है उसको, तो थोड़ा सा वीडियो के एक आध घंटे दो घंटे के अंदर मैं इसको डाल दिया करूँगा। और दोस्तों, शेयर जरूर करें वीडियो को सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा अवार्ड है वो है पहला, सबसे पहले ही अवार्ड दिया गया है, स्वर्गीय स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2017 में सबसे पहले दिया गया। ये दिया गया है बॉलीवुड अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद रेखा को, ठीक है, और सिनेमा के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए अवार्ड इनको दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार। तो दोस्तों, एक अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक वीडियो भी मैंने अभी बनाया था, तो वो प्रतियोगिता दर्पण से मैंने उसको उठाया था, ठीक है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें सारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स है जितना मैक्सिमम है। इसमें तो खैर हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। 31वां जो मूर्ति देवी पुरस्कार है, ये जो प्रसिद्ध बंगाली कवि हैं जॉय गोस्वामी, इनको दिया गया है और ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो 31वां ये संस्करण है और उनकी ये जो पुस्तक, ये है पुस्तक दू दोंदो फोवारा मित्रो, उसके लिए इनको ये दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। फिर श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान 2017 का, तो ये दिया गया है मॉरिशस के प्रसिद्ध साहित्यकार रामदेव धुरंधर को, ठीक है। और जो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान के लिए इनको चुना गया है, और यह सम्मान ग्रामीण जीवन पर लिखे गए हिंदी साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि है 11 लाख रुपए। फिर सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2017, तो ये दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को, और यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में शरणार्थियों और विस्थापित लोगों के अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए उनको ये दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के पुरस्कार, तो ये भी साहित्य के पुरस्कार ही है, ठीक है। तो हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2016 के पुरस्कार सम्मानों की घोषणा करी गई है, वर्ष 2016 के पुरस्कार है। इनमें से देखिए, भारत भारती सम्मान 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को दिया गया। लोहिया साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, आनंद मिश्र अभय को दिया गया। हिंदी गौरव सम्मान 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को दिया गया। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए की राशि है, डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को ये दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए की राशि डॉक्टर महेंद्र शर्मा को ही दिया गया, ठीक है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान, इसमें भी 4 लाख रुपए की राशि प्रोफेसर नेत्रपाल सिंह को, और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, ये साहित्य अनुशीलन समिति जो है मद्रास की, उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसमें जो भारत भारती सम्मान है, इसकी ही राशि केवल देखिए 5 लाख रुपए, बाकी सबकी राशि जो है आपकी 4 लाख रुपए ही है, ठीक है। नेक्स्ट पर है ग्लोबल पीस अवार्ड 2017 का, तो ये दिया गया है EIHLS, तो इसने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस, इसने परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज को इस अवार्ड से सम्मानित किया, ठीक है। ये अवार्ड देता कौन है, EIHLS, तो इसने किसको दिया है, स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज। फिर आपका 27वां व्यास सम्मान। दोस्तों, व्यास सम्मान से रिलेटेड मैंने लास्ट जो आपको वीडियो बनाया था अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जिसमें 2016-2017 के सारे अवार्ड्स मैंने, जो जितने भी मुख्य अवार्ड्स हैं वो इंक्लूड करे थे, उसमें एक जगह मैंने आपको बताया था कि जो व्यास सम्मान है 2017 का, वो ऋषभ जैन को दिया गया है, ऋषभ जैन। ये मेरे पास एक कमेंट भी आया था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्या है, कई वेबसाइट्स पे जो है आपका वो ऋषभ जैन दिखाई दे रहा है, कई वेबसाइट पे ममता कालिया दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ न्यूज की जो वेबसाइट्स हैं वो न्यूज की वेबसाइट्स में मैंने इनको ही देखा है, ममता कालिया को। तो मुझे ऐसा लगता है, या तो ये अवार्ड वैसे दो लोगों को तो नहीं दिया जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है,
वैसे मेरे ख्याल से ये प्रतियोगिता दर्पण है, तो ऐसी बुक में थोड़ी सी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो लिया था वो प्रतियोगिता दर्पण से ही लिया था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता कालिया ही इसका सही आंसर होना चाहिए। तो 27वां जो व्यास सम्मान है वो ममता कालिया को दिया गया है, और इनकी जो उपन्यास है दुखम सुखम, इसके लिए इनको दिया गया। उस वीडियो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है, तो वो 3 लाख की राशि भी अपडेट हो गई है, वो 3.5 लाख की राशि अब इसमें दी जाती है। ठीक है, तो दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को 27वां व्यास सम्मान दिया गया है। फिर आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 का, 2017 का देखिए, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ये है, टाइम टाइम मैगजीन जिसको बोलते हैं, इसको इसने द साइलेंस ब्रेकर्स, साइलेंस ब्रेकर्स पूरा इसका जो नाम है, द साइलेंस ब्रेकर्स द वॉइस दैट लॉन्च्ड अ मूवमेंट, इसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, या इनको चुना गया है इस चीज के लिए। ठीक है, और साइलेंस ब्रेकर्स जो है वो एक शब्द ही, मतलब ये इसमें मेन जो पत्रिका है इसमें ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाई जाती है जिन्होंने यौन शोषण के विरुद्ध मतलब कुछ काम किया हो, या ऐसी चीजों के, जैसे ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों के चरित्र का पर्दाफाश किया जाता है जिनके बारे में लोग कुछ बोलने से भी डरते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इसके लिए होता है, तो ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको ही मिला है। तो इनमें हॉलीवुड में यौन उत्पीड़न का खुलासा करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्रियों से लेकर आम जनजीवन में यौन शोषण और दुर्व्यवहार का सामना कर चुकी महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, और इन महिलाओं ने सोशल मीडिया में भी हैशटैग मीटू नामक एक अभियान के जरिए यौन शोषण के अपने कटु अनुभव साझा किए थे। तो ये जो आपका ये अभियान है इसको भी आपको याद रखना, #MeToo। गणमान्य भारतविद पुरस्कार 2017, देखिए ये अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया, और ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का तीसरा गणमान्य भारतविद पुरस्कार, इसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड। ठीक है, तो ये दिया गया जापान के प्रोफेसर हिरोशी मारुई को, और यह पुरस्कार स्पेशली किनको दिया जाता है, विदेशों में कार्यरत भारतविदों को, भारतीय दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, सभ्यता एवं समाज आदि के अध्ययन के लिए, शिक्षण के लिए, और उनमें उनमें शोध के लिए, रिसर्च के लिए जो उत्कृष्ट योगदान करते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और इसकी स्थापना जो है आपकी ICCR, मतलब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसने 2015 में इसकी स्थापना करी थी, और इसमें $20,000 की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2017 का, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, इसका मतलब इसका ये अवार्ड होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, 2017 का यह अवार्ड दिया गया है संयुक्त रूप से वरिष्ठ पत्रकार सैम रजप्पा और शरत मिश्र, इन दो लोगों को दिया गया है, सैम रजप्पा और शरत मिश्र। नेक्स्ट है मिगुएल डी सर्वांटेस पुरस्कार 2017, तो देखिए निकारगुआ के पूर्व राजनेता, निकारगुआ एक कंट्री है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने मैम बताया, ये जो आपकी कंट्री है मेक्सिको है, फिर ये ग्वाटेमाला, यहाँ पे आपका ये निकारगुआ पड़ता है जो नॉर्थ पेसिफिक ओशियन होता है और जो कैरिबियन सी है, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है आपका निकारगुआ। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है निकारगुआ कॉर्डोवा, ये यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो यहाँ के राजनेता भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं और लेखक भी हैं, कौन है, सर्जियो रामिरेज, इनको 2017 का ये प्रतिष्ठित मिगुएल डी सर्वांटेस पुरस्कार है, इसके लिए इनको चुना गया है, किसको, सर्जियो रामिरेज। ठीक है, और ये स्पेनिश भाषा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, ये स्पेनिश भाषा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यह पुरस्कार स्पेन की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाती है, इतनी 1,25,000 यूरो की राशि इसमें दी जाती है। फिर आपका मिस यूनिवर्स 2017, तो ये 66वां संस्करण था इसका 2017 का, लॉस वेगास अमेरिका में हुआ है, और दक्षिण अफ्रीका की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका की डेमी ले नील पीटर्स, इनको ये मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब दिया गया है। इसके अलावा कोलंबिया की लॉरा गोंजलेज प्रथम उप विजेता मतलब फर्स्ट रनर अप, और जमैका की डेविना बेनेट ये द्वितीय उप विजेता मतलब सेकेंड रनर अप रही। भारत का प्रतिनिधित्व श्रद्धा शशिधर ने इसमें
किया था। फिर हमारा नौशाद सम्मान 2017 का, तो कला के क्षेत्र में ये नौशाद सम्मान दिया जाता है, और 2017 का जो नौशाद सम्मान है वो दिया गया प्रसिद्ध अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी को। इनका नृत्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अवार्ड इनको दिया गया। फिर है भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI है, गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर यह संपन्न हुआ 20 से 28 नवंबर के बीच में। और इसकी जो थीम थी, कहानियों के जरिए विश्व से जुड़ाव, कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू स्टोरीज, और फोकस देश जो था वो था कनाडा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो पहला पॉइंट यही है कि ये पूछा जा सकता है कि कहां संपन्न हुआ है, इसकी थीम क्या थी, ये दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, डेट जनरली नहीं पूछी जाती इनकी अवार्ड्स की, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और स्टार्टिंग में ईरान के माजिद माजिदी द्वारा निर्देशित पहली भारतीय फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स, इसका प्रदर्शन करा गया सबसे पहले। शुभारंभ ही महोत्सव का, फेस्टिवल का, इसी से हुआ। इसके बाद महोत्सव का जो समापन है वो पावलो सीजर द्वारा निर्देशित भारतीय अर्जेंटीनियाई फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम इससे समापन हुआ। तो बियॉन्ड द क्लाउड से स्टार्ट हुआ और थिंकिंग ऑफ हिम से समापन इसका हुआ। ठीक है, और ये जो फिल्म है आपकी थिंकिंग ऑफ हिम, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक, इसमें अवार्ड जो दिए जाते हैं गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक, इस तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं, स्वर्ण मयूर इसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया मोरक्को में जन्मे फ्रांस के निर्देशक रॉबिन कैंपलो द्वारा निर्देशित 120 वेटलमेंट्स पर मिनट, मतलब इसको बोलते हैं 120 बीट्स पर मिनट, 120 बीट्स पर मिनट, इसको ये अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, मतलब जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है वो किसका, सिल्वर पीकॉक रजत मयूर पुरस्कार, ये चीन की निर्देशक बिबियन क्यू को उनकी फिल्म एंजल्स बियर व्हाइट के लिए प्रदान करा गया। ठीक है, तो ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। और जो आपकी 120 बीट्स पर मिनट जो फिल्म है उसके लिए नहुएल पेरेज बिस्कैट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और मलयाली फिल्म टेक ऑफ के लिए पार्वती थ्रुवोथ कोट्टुवत्ता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इसमें दिया गया। इसके अलावा जो मराठी फिल्म है क्षितिज ए हॉरिजन को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल प्रदान करा गया। तो ये सारे पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रसिद्ध जो बॉलीवुड अभिनेता है अमिताभ बच्चन, इनको भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म व्यक्तित्व का पुरस्कार, मतलब इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड इसमें दिया गया। और कनाडा की फिल्म कार एटम ईगोयान, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करा गया। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि इस महोत्सव में जो संस्कृत भाषा में बनी विश्व की पहली 3D फिल्म अनुरक्ति का प्रदर्शन करा गया। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान ले। IFFI इज द बिगेस्ट स्टेट बैक्ड फिल्म। स्टेट बैक्ड का मतलब होता है जिसको, जिसकी फंडिंग जो है या जिसका पूरा अरेंजमेंट जो है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल होता है कंडक्टेड जॉइंटली बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ठीक है, तो ये आपका जो इसका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है और गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इन दोनों का एक ज्वाइंटली कंडक्ट करते हैं इसको। 1952 में ये फाउंड हुआ था और उसके बाद हर साल गोवा में ही ये होता है। फिर आपका मिस वर्ल्ड 2017, तो मिस वर्ल्ड 2017 का 67वां संस्करण हुआ कहां पे, सान्या चाइना में। ठीक है, 2017 का जो ताज है वो भारत की मानुषी छिल्लर को दिया गया। तो मिस वर्ल्ड इस बार की मानुषी छिल्लर हैं और ये छठी भारतीय हैं जो इस प्रतियोगिता को जीती हैं। इससे पहले 1966 में रीता फारिया जो फर्स्ट मिस वर्ल्ड थी इंडिया से, वर्ष 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने जीता था। मैक्सिको की जो एंड्रिया मेजा है ये फर्स्ट रनर अप है और इंग्लैंड की स्टेफनी हिल सेकेंड रनर अप रही। फिर इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2017, तो पूर्व प्रधानमंत्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये दिए जाने की घोषणा हुई है। और ये पुरस्कार विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 25 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है और 2015 का ये अवार्ड दिया गया था
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR को इन्फोसिस पुरस्कार 2017। ये हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फिर भी आपको जानना जरूरी है। 6 लोगों को ये अवार्ड देने की घोषणा करेगी, इनमें 3 महिलाएं हैं, ठीक है। कुल 6 वर्गों में पुरस्कार दिया जाता है, जिनमें इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की निदेशक संघमित्रा बंदोपाध्याय, मानविकी के क्षेत्र में अनन्या जहांरा कबीर, लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में उपेंद्र एस भल्ला, शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में यमुना कृष्णन और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लॉरेंस लियांग को और गणित विज्ञान के क्षेत्र में रिता भृता मुंशी को ये टोटल 6 अवार्ड दिए गए। फिर राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार 2017 इंपॉर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से अवार्ड दिया जाता है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवार्ड को देते हैं। 2017 का ये जो अवार्ड है 3 व्यक्तियों को दिया गया है, शांतिलाल गुलाबचंद मुत्था और ये पुणे के हैं, और शेजियन रामू त्रिवन्नमलाई और शोभा विद्यार्थी नैनीताल, इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया। 3 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, अलग अलग दिया गया, संयुक्त रूप से नहीं दिया गया है, ठीक है। बच्चों की सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की नगद राशि, चांदी की प्लेट और प्रशस्ति पत्र प्रदान करा जाता है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2017, तो बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 बच्चों को, जिनमें से 1 बच्चे को स्वर्ण और 15 बच्चे को रजत, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करा। और जो स्वर्ण पुरस्कार दिया गया वो मास्टर आकाश मनोज दो आपके तमिलनाडु के हैं, ठीक है। वो बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु पटना के सुपर 30 के संस्थापक जो आनंद कुमार हैं उनके साथ 2 अन्य व्यक्तियों अच्युता सामंता ओडिशा से, महेश जाधव कर्नाटका से, इसके अलावा 5 संस्थानों को टोटल चुना गया है इसमें। प्रिक्स गोंकोर्ट पुरस्कार 2017, तो ये दिया गया एरिक बुलॉर्ड को उनके उपन्यास, इसको एल ऑल्ड्री डू जूर अंग्रेजी में इसका नाम मतलब जो है वो है द एजेंडा, इसके लिए फ्रेंच भाषा का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको दिया गया। विष्णुदास भावे अवार्ड 2017, तो ये अवार्ड दिया गया मोहन जोशी को उनके मराठी थिएटर में योगदान के लिए, ठीक है। यह अवार्ड मराठी थिएटर के संस्थापक विष्णुदास के सम्मान में दिया जाता है, विष्णुदास भावे। मिस अर्थ 2017, तो ये दिया गया फिलीपींस की कारेन इवास्को को, और ऑस्ट्रेलिया की नीना रॉबर्टसन को मिस अर्थ ईयर, कोलंबिया की जूलियाना फ्रेंको को मिस अर्थ बार्टर और रूस की लाड़ा आकीमोवा को मिस अर्थ फायर ये अवार्ड दिए गए। और फिलीपींस में ये हुआ है, और इसके अलावा भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया शान सुहास कुमार ने। इसके बाद यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2017, तो ये हांगकांग स्थित ब्लू हाउस क्लस्टर को वर्ष 2017 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन दिया गया, ठीक है। ये ब्लू हाउस क्लस्टर ये आपको याद रखना है कहाँ का है, हांगकांग चाइना का है। और इसके अलावा कुछ इसी में अवार्ड ऑफ मेरिट से संबंधित जो भारतीय स्थल है, कुछ भारतीय स्थलों को भी इसमें दिया गया, जिनमें से क्राइस्ट चर्च है मुंबई का, रॉयल बॉम्बे ओपेरा हाउस मुंबई का ही है, रंगनाथ स्वामी मंदिर है श्रीरंगम तमिलनाडु का, ऑनरेबल मेंशन, इसमें मतलब जो अलग कैटेगरी ये होती है ऑनरेबल मेंशन, इससे संबंधित जो भारतीय स्थल है उनमें बोमोनजी हारमारजी बाडिया फाउंटेन एंड क्लॉक टावर मुंबई का, देखिए मुंबई में 1, 2, 3 ये अवार्ड दिए गए, ठीक है। इसके अलावा बेलिंगटन फाउंटेन ये अवार्ड भी मुंबई को दिया गया, हवेली धर्मपुरा दिल्ली को दिया गया, इसके अलावा गेटवेज ऑफ गोहद फोर्ट गोहद मध्य प्रदेश, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमपी में अवार्ड दिया है। गोहद जो फोर्ट है आपका ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, वो व्यापम का तो बिल्कुल ये टॉपिक बहुत फेवरेट है, व्यापम कुछ मंदिर और किलों से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये बनवाया किसने था, एक्चुअली यहाँ पे 7 गेट्स हैं, 7 गेट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ये राणा सिंहदेव द्वितीय थे, उन्होंने इसको बनवाना स्टार्ट करा था, लेकिन बाद में फिर महाराजा भीम सिंह राणा, महाराजा छत्र सिंह और महाराजा कीरत सिंह, इन्होंने जो बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन है वो इन्हीं ने ही करवाए, स्टार्ट किसने करा था लेकिन राणा सिंहदेव ने, ठीक है। और ये जो गोहद फोर्ट की जो साइट है, ये जो वैशाली रिवर जो है उसके किनारे पे बनी हुई, तो ये व्यापम इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है।
नेक्स्ट है एशिया बीमा उद्योग पुरस्कार, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये सिंगापुर में आयोजित हुआ, 21वां संस्करण इसका था। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर श्रेणी में अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा कंपनी को इसमें सम्मानित करा गया, और यह कंपनी, यह पुरस्कार जीतने वाली एशिया प्रशांत क्षेत्र की पहली कंपनी है। और थाईलैंड की मुआंग थाई लाइफ इंश्योरेंस पीसीएल को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित करा गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2017, तो लोक प्रशासन प्रबंधन व अकेडमिक उत्कृष्टता के लिए 2017 का प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनको दिया गया। और ये लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसके तहत प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। पर कालिदास सम्मान वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमएससी एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर व्यापम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक राम गोपाल बजाज इनको दिया गया, मध्य प्रदेश सरकार ये अवार्ड देती है, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ थे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जनवरी 2018 के, जिसमें से हमने नवंबर दिसंबर और कुछ हो सकता है अक्टूबर के भी अवार्ड्स इसमें डिस्कस करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।